बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द अलाइड स्कूल टेबल कंटेंट न्यू काउंटडाउन क्लास 4 असेसमेंट 2। दिस इज़ योर पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न है आपके पास ये गिवन, आपने इसी के साथ पेपर अपना सॉल्व करना है। आपने पेपर अपना लूज शीट पे सॉल्व करना है। प्रॉपर आपने बोथ साइड पे मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है, नेम राइट करना है, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, एडी नंबर यानी एडमिशन नंबर और कैंपस नेम आपने मस्ट अपने आंसर शीट पे आपने उसको मेंशन करना है, और प्रॉपर मार्जिन लाइंस के साथ आपने अपने पेपर को स्टार्ट करना है। दिस इज़ योर पेपर। आपके पेपर के टोटल मार्क्स जो हैं वो 40 हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो 20 मार्क्स का है जो आपने सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन 14 किलोमीटर 50 मीटर एंड 14 किलोमीटर इज़ इक्वल टू डैश। अब आप देखो डिफरेंस वो पूछ रहा है, तो आपने इसको डिफरेंस फाइंड करके यहाँ पे आपने राइट करना है। प्रॉपर सोल्यूशन करने के बाद आप आंसर फाइंड करेंगे और यहाँ पे आपने राइट करना है। 1198 मिलीग्राम इक्वल्स टू डैश कि 1198 मिलीग्राम जो है वो कितने ग्राम की इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ग्राम आएगा। 1198 मिलीग्राम इक्वल्स टू डैश ग्राम के कितने ग्राम के इक्वल होगा। थर्ड है मिलीलीटर इज़ अ डैश यूनिट देन लीटर। ठीक है, मिलीलीटर जो है वो लीटर से कितना क्या है। ठीक है, वो आपको ब्लैंक में पता है कि आपने क्या राइट करना है। इस डैश यूनिट देन लीटर क्या आएगा इसमें। फोर्थ है क्वार्टर टू सेवन इन फिगर इज़ रिटन एज डैश। ठीक है, क्वार्टर टू सेवन फिगर जो है वो किस में लिखा जाएगा, रिटन इज डैश। फिफ्थ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ डैश यूनिट। उसके बाद आर डैश लाइन्स, इन लाइन्स को क्या कहा जाता है, डैश लाइन्स। सेवन्थ द पैरामीटर ऑफ द शेप इज़ डैश सेंटीमीटर। इस पैरामीटर का, इसका शेप का आपने पैरामीटर बताना है कि कितने सेंटीमीटर पैरामीटर है इसका। एट है द अमाउंट ऑफ सरफेस अ शेप कवर इज कॉल्ड इट्स डैश, के जो सरफेस जो कवर करती है शेप उसको अमाउंट को क्या कहा जाता है। 7:45 PM इन 24 आवर क्लॉक विल बी डैश कि 7:45 PM जो है वो 24 आवर क्लॉक टाइम में अगर हम देखें तो ये टाइम क्या बनेगा, वो आपने यहाँ पे राइट करना है। टेंथ है 259 मीटर कन्वर्ट टू सेंटीमीटर विल बी, कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट इसमें क्या है एंड फॉल्स स्टेटमेंट क्या है इसमें। ठीक है, हाफ किलोमीटर इज़ इक्वल टू 500 मीटर। ठीक है, हाफ किलोमीटर जो है कह रहा है कि वो किसके इक्वल है, 500 मीटर के इक्वल है, तो आपने बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स। सेकेंड है द सम ऑफ 1500 ग्राम एंड 2 kg इज़ 3500 ग्राम। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम सम करें 1500 ग्राम एंड 2 kg का तो 3500 ग्राम्स बनेंगे। थर्ड है 25 लीटर इज़ इक्वल टू 25,000 मिलीलीटर कि 25 लीटर जो है अगर उसको मिलीलीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो 25,000 मिलीलीटर बनेगा। फोर्थ है टू शेप हैविंग सेम एरिया मस्ट हैव द सेम पैरामीटर। टू शेप्स हैविंग सेम एरिया कह रहे हैं कि टू शेप्स का अगर कह रहे हैं कि एरिया जो है वो सेम होगा तो मस्ट हैव द सेम पैरामीटर, तो उनका पैरामीटर भी कह रहे हैं कि क्या सेम होगा। फिफ्थ है द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू 2l + b सेंटीमीटर कि रेक्टेंगल अगर है तो पैरामीटर का तो वो इक्वल होगा 2l + b। ठीक है, सेंटीमीटर, तो आपने बताना है इट्स ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपको एक क्वेश्चन गिवन है, 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से आपने राइट ऑप्शन को चूज़ करके अपने ब्लैंक में राइट करना है। फर्स्ट है इफ़ l इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, l मीन लेंथ, b मीन ब्रेथ, इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ डैश। अब देखो ये आपने सॉल्व करके अपने किसी भी रफ पेपर पे आप सॉल्व करेंगे, देन आपने आंसर बताना है। ठीक है, एज्यूम नहीं करना आपने। कह रहे हैं कि लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और बी जो है यानी ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो कह रहे हैं कि पैरामीटर जो है वो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा। अब आपने बताना है ए ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर स्क्वेयर, सी 18 सेंटीमीटर और डी 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 है इसका। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर।
इट्स ब्रेथ विल बी डैश, ठीक है। अब कह रहे हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, के एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इट्स ब्रेथ विल बी, तो इसकी ब्रेथ क्या होगी, यानी आपको एरिया और लेंथ गिवन है, आपने इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। ए ऑप्शन 3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 15 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 6 सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप फाइंड करेंगे, देन आपने आंसर यहाँ से बताना है। थर्ड है 45 लीटर इज इक्वल टू डैश। अब 45 लीटर जो है वो मिलीलीटर में अगर होगा तो क्या उसकी बनेगी, ये आपको राइट ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। अब आपने बताना है यहाँ पे क्या है। 450,000 मिलीलीटर, 4,500 मिलीलीटर, 45,000 मिलीलीटर या 450 मिलीलीटर, राइट ऑप्शन आपने यहाँ से चूज़ करना है। फोर्थ है 12 kg 200 ग्राम माइनस 8 kg 535 ग्राम, ठीक है। यानी 12 kg में से 12 kg और 200 ग्राम में से माइनस करेंगे अगर 8 kg 535 ग्राम इज इक्वल टू डैश, तो इसकी क्या आएगा आंसर। ए ऑप्शन 3 kg 665 ग्राम, बी ऑप्शन 4 kg 335 ग्राम, सी 3 kg 735 ग्राम, डी है 4 kg 735 ग्राम। अब आप राइट ऑप्शन यहाँ से चूज़ करेंगे। फिफ्थ है कन्वर्ट 18 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, 18 सेंटीमीटर को आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ए है आपके पास 18 मिलीमीटर, 1800 मिलीमीटर, 180 मिलीमीटर, 18,000 मिलीमीटर। अब आप इसमें से राइट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब अपने एरिया एंड पैरामीटर हमने शेप्स का फाइंड करना है। अब आपने खुद देखना है कि आपको एरिया कितना गिवन है और पैरामीटर शेप्स गिवन है, आपने खुद एरिया एंड पैरामीटर आपने तीनों का फाइंड करना है। सब्जेक्टिव पार्ट है 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड, जैसे है उसको आपने उसमें कन्वर्ट करना है। ए पार्ट है 4,891 किलोमीटर टू मीटर, यानी किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। बी है आपके पास 71 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर टू मिलीमीटर, अब 71 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर को आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सी है 42 मीटर टू सेंटीमीटर, 42 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे। डी है 130 किलोमीटर 119 मीटर टू मीटर, अब 130 किलोमीटर को और 119 मीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। ई है 375 kg टू ग्राम, अब kg को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है। एफ पार्ट है 225 लीटर 15 मिलीलीटर टू मिलीलीटर, ठीक है, 25 लीटर को 15 मिलीलीटर से आपने मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, अब इनका सम आपने फाइंड करना है। 55 लीटर 75 मिलीलीटर एंड 100 लीटर 100 मिलीलीटर, ठीक है, इनका सम आपने करना है। बी है 29 kg 544 ग्राम एंड 36 kg 350 ग्राम। सी है 95 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। डी पार्ट है 10 kg 200 ग्राम एंड 65 kg, इनका आपने सम फाइंड करना है। थर्ड है फाइंड द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस आप फाइंड करना है 3 kg 110 ग्राम एंड 1,345 ग्राम। बी है 49 लीटर 500 मिलीलीटर एंड 37 लीटर 755 मिलीलीटर। फोर्थ है हाउ मेनी डेज आर देयर इन, अब इनमें डेज आपने बताने हैं कितने, कि 7 वीक्स में कितने डेज होते हैं और 11 वीक्स में कितने डेज होते हैं, इन दोनों का आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग 1 hour 54 minute माइनस 48 मिनट्स, ठीक है। बी है 6 hours 27 minutes 1 hour 12 minutes माइनस करेंगे आप। सी है 4 hours 16 minutes 10 seconds माइनस 1 hour 2 minutes 15 seconds, इनको अब आपने माइनस करना है। 1 hour जो भी आपको गिवन है, आवर्स एंड मिनट्स गिवन है, उनमें से आपने माइनस करना है। 6 है ड्रॉ द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग एरिया, अब आपने यहाँ पे शेप्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड
1 cm² की आपने यहाँ पर शेप्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। सेवन्थ है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग कारपेट्स। अब इनकी एरिया आपने फाइंड करना है, जो आपको कारपेट्स गिवन है इनकी आप एरिया बताएंगे कि क्या है। अब देखो इसकी जो विड्थ है वो 6 cm है और लेंथ इन्होंने 4 cm बताया है। अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है। सेकेंड है उसने 7 cm जो है वो आपको विड्थ बताई हुई है। एट है फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल्स का आपने यहाँ पे बताना है एरिया एंड पैरामीटर। एल इक्वल्स टू 4 cm, बी इक्वल्स टू 3 cm, बी पार्ट है एल इक्वल्स टू 7 cm, बी इक्वल्स टू 4 cm, सी है एल इक्वल्स टू 8 cm और बी इक्वल्स टू 2 cm। यानी एल मीन लेंथ और बी ब्रेथ आपने यहाँ पर बताई हुई है, आपने एरिया एंड पैरामीटर उसका फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। फर्स्ट है रेक्टेंगल इज 15 cm लॉन्ग एंड 7 cm वाइड। ठीक है, लॉन्ग मीन लेंथ और वाइड मीन ब्रेथ। व्हाट इज द इट्स एरिया एंड पैरामीटर। इसका आपने एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। आपको लेंथ और ब्रेथ यानी ब्रेथ गिवन है, एल और बी गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, एरिया एंड पैरामीटर आपने इसका फाइंड करना है। सेकेंड है अ ट्रेन लेफ्ट कैंट स्टेशन इन कराची एट 9:10 एंड रीच मुल्तान 15 लेटर, व्हाट टाइम वाज दैट। ठीक है, लेटर आई है तो आपने बताना है कि टाइम क्या था। थर्ड है अ वाटर टैंकर कैरी 12,000 ऑफ वाटर, इट डिलीवर 5,000 टू अ हाउस, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज लेफ्ट। कह रहे हैं कि वाटर टैंकर था जिसमें 12,000 वाटर था, उसने डिलीवर किया है 5,000 वाटर जो है एक हाउस को उसने डिलीवर कर दिया। कह रहे हैं व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज लेफ्ट, तो उसके पास वाटर की क्वांटिटी जो है वो बाकी क्या रह जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपका ये पेपर था। आपने प्रॉपरली अपना पेपर जो है वो सॉल्व करना है। लूज शीट आपने यूज़ करनी है, आपने मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है, अपना फुल नेम राइट करना है, कैंपस नेम एडी मस्ट आपने अपना यहाँ पर राइट करना है। बेस्ट ऑफ लक।